दोस्तों प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम 2019 में पूछा जा चुका है। द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज 379 मेगा पास्कल। जो इलास्टिक लिमिट है वो हमको दे रखी है, ये वर्क शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ ब्रास रॉड। तो मिनिमम डायमीटर जो है कितना होगा इफ इट इज टू सपोर्ट आ 400 न्यूटन लोड। अगर 400 न्यूटन का लोड उस पर अप्लाई किया जाए विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। अब जो 400 न्यूटन का फोर्स जो इस पर लगा रहे हैं, वेट जो इस पर लगा रहे हैं, लोड इसने बोल रखा है, वो उसकी इलास्टिक लिमिट से पार ना जाए, ठीक है, इस लोड के कारण उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो वो स्ट्रेस है जो इलास्टिक लिमिट से पार ना जाए, इलास्टिक लिमिट वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट तक रहे या उससे पहले रहे, ठीक है, या फिर उस पॉइंट पर जाकर, इलास्टिक लिमिट वाले पॉइंट पर जाकर या उससे पहले जो उसका डायमीटर है, जब उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। तो वो कम से कम कितना हो उस पॉइंट पर जाकर जहां पर सिग्मा जो है लेस देन इक्वल टू क्या हो 379 मेगा पास्कल, ठीक है, जो स्ट्रेस है बस इतना ही अप्लाई करें 379 मेगा पास्कल के बराबर या उससे पहले। तो सिग्मा लेस देन इज इक्वल टू 379 मेगा पास्कल, तो 10 की पावर 6। अब सिग्मा बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, सिग्मा बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो यहां पर फोर्स कितना आएगा 400 न्यूटन, एरिया अगर लेस देन या फिर इक्वल टू उस वाले पॉइंट पर अगर हम लें, ठीक है, या उससे पहले, या तो 379 मेगा पास्कल जो है इस पॉइंट तक हम स्ट्रेस अप्लाई करें, ठीक है, या फिर उससे पहले, तो इस पॉइंट पर जाकर जो है डायमीटर कम से कम हो जाएगा। तो वो निकाल देते हैं, एरिया कितना है पाई बाय 4 d मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, अब ये वाला 4 ले जाओ ऊपर, ये कितना हो गया 1600, और यहाँ पर पाई पे ही रहने दो, ठीक है। तो d मिनिमम स्क्वायर यहाँ पर ले आओ, d मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 बटे पाई 379 डिवाइड बाय पावर 6, और ये जवाब जो है इसको सॉल्व करोगे आपके पास जाएगा 1.16 क्रॉस 10^-3 मीटर, ठीक है। अब देखो 1.16 क्रॉस 10^3 इसमें है कहीं, ये मीटर मीटर, ये मिलीमीटर और ये मिलीमीटर, ठीक है, ये सारे के सारे ना मिलीमीटर में ले रखे हैं, सॉरी यार, ये मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, और ये भी, तो 1.16 ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मीटर में है और ये मिलीमीटर में है, तो सारे के सारे वैसे भी मिलीमीटर में दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसको मिलीमीटर में, सॉरी ये मीटर में है ना, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 3 से, ये और ये हट गया यहाँ से, तो 1.16 क्या आ गया जो डायमीटर है, मिनिमम डायमीटर कितना गया 1.16, ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज आएगी निकल कर, तो डायमीटर मिनिमम आपके पास जो है 1.16 निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ वायर ऑफ डेंसिटी 9 × 10^-3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू क्लैम्प्स 1 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, यानी कि लेंथ जो उसकी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है स्ट्रिंग की, ठीक है। द रिजल्टिंग स्ट्रेन इन द वायर इज 4.9 × 10^-4। तो ये स्ट्रेन हमको जो है दे रखा है। उसके बाद द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द वायर इज क्या होगी, मतलब कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमने स्टैंडिंग वेव में पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव के अंदर, वो चीज हमको जो है इसमें निकालनी है, आपको ध्यान में हो तो।
तो फ्रीक्वेंसी थी f इज इक्वल टू 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट ऑफ f ओवर म्यू, ये वाला ठीक है मास पर यूनिट लेंथ था। ये फोर्स जो इसके अंदर टेंशन होगा वो है, ये चीज समझ में ना आए तो स्टैंडिंग वेव जाकर देख लेना और उसमें जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है और हमको दे रखा है यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर y इज इक्वल टू 9×10 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमको जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, ये चीज हमको दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखा है और डेंसिटी हमको दे रखी है, ठीक है। तो क्या करें, फोर्स जो टेंशन है नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। अगर लेंथ तो हमको पता है कितनी है, 1 है, तो यहां पे तो 1 लिख दिया। अब ये फोर्स डिवाइड बाय m डिवाइड बाय एक मास डिवाइड बाय l, ये चीज अगर हमारे पास आ जाए तो हम बता देंगे कि भाई कितनी जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है। मास नहीं पता, डेंसिटी तो दे रखी है ना, डेंसिटी कितनी दे रखी है 9×10⁻³, 9×10⁻³। चलो एक मिनट रुको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास का क्या डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो यहां पर लिखो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया ये ना स्मॉल एल लिखना है यहां पर, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ से लेंथ हट गई, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास, ये यहां पर डेंसिटी आ गई, एरिया हमको नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता हो तो जो है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रेन भी है, रिजल्टिंग स्ट्रेन भी है, वाई है, वाई भी है, और ये क्या है स्ट्रेस, जो कि बराबर होगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स बराबर आ जाएगा वाई एप्सिलॉन और ए, तो ये आ गया भैया वाई एप्सिलॉन ए, ए से ए हट गया। अब हमारे पास वाई भी है, एप्सिलॉन भी है और डेंसिटी भी है, सारी चीजें दे रखी है, इसमें लगानी है और निकालना है। वाई एप्सिलॉन डिवाइड बाय रो, सो फ्रीक्वेंसी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई कितना दे रखा है 9×10⁻¹ एप्सिलॉन कितना दे रखा है, रिजल्टिंग स्ट्रेन 4.9×10⁻⁴ डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी देखो क्या है, सेंटीमीटर में दे रखी है। अब 1 kg/m³ एसआई में कर लेते हैं स्टैंडर्ड में, तो ये निकल कर आ जाएगा 9×10⁻³। ये सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कन्वर्ट कर देना, 1 cm इज इक्वल टू 1/100 m, ठीक है। तो 10^2 की पावर 3, क्योंकि यहां पर क्या है 3, तो 10^2 जो है 6 आ जाएगी, वैसे कट टोटल 6 आएगी और ये जो 10^3 उसमें से कट जाएगा, ठीक है। तो 10^3 यहां पर आ जाएगी, इस तरह से आएगा, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगी। और देखो ये क्या है, ऊपर नेगेटिव है, नीचे अगर क्या हो जाएगा नॉन नेगेटिव, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, ठीक है, ये हो गए 7। तो 10^7 और 10^7 गई, तो यहां पर कितना बचेगा 10^3, यहां पर 1 को हटा दो, यहां बच गया 10^2, 9 से 9 को हटा दो, ठीक है। ये 10^2 और यहां पर 7^2 लिख दे इसको, इससे ये हट गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई 1/2 × 10 × 7, 2×2 = 10, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई 35 Hz। तो इसमें से जो है ये वाला ऑप्शन है जो निकल कर आ जाएगा हमारे पास। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बोला है। आपने स्टैंडिंग वेव में पढ़ा होगा, मैंने स्टैंडिंग वेव में भी बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी है 1/2l मल्टीप्लाई बाय f ओवर न्यू, ये चीज होती है, ठीक है। और न्यू क्या होता है, मास पर यूनिट
लेंथ, ये चीजें आपको जो है बदलनी है, जो फोर्स है। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस दे रखा है क्या? स्ट्रेस नहीं दे रखा, फोर्स, सॉरी, इसमें फोर्स है ना, तो वो फोर्स कन्वर्ट करना है वाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन में। और नीचे वाला जो है डेंसिटी दे रखी है, तो वो मास को जो है डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है, तो मास बराबर डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम लिख देंगे। एरिया से एरिया कट गया, लेंथ से लेंथ कट गई, ये चीज आ गया हमारे पास। और ये आ गया, नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। और ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी 2020 में पूछा जा चुका है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर। कोई एक मास है, ठीक है, जो किसी 10 kg एंड ऑफ वायर, वायर के एक वन एंड से अटैच है, जुड़ा हुआ है। द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड विद विच इट कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स अदर एंड, एक एंड पर बंधा हुआ है, दूसरे एंड के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा इन स्पेस, स्पेस स्टेशन के अंदर इस क्या होगी, ठीक है, जिसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर हमको दे रखे है 4.8 × 10⁻¹⁷ इनवर्स स्क्वायर। ये वाला क्रॉस वो नहीं, कभी वेक्टर प्रोडक्ट समझने लग दो। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, ये वाला दे रखा है, ठीक है, तो हमको बताना है कि भाई वो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होगी, ठीक है, वो कितने स्पीड पर रोटेट करे कि वो वायर है जो टूट जाए। ठीक है, अब देखिए मास मान लीजिए यहां पर बना हुआ है, यहां पर स्पेस स्टेशन है, ये इसके अबाउट रोटेट करेगा, ये मास तो बाहर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला लगेगा फोर्स, तो फोर्स कितना हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। और फोर्स बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एम आर को ले आओ इसके नीचे, ठीक है, तो ये वाला ओमेगा वो ओमेगा होगा कि इस ओमेगा पर आकर वायर टूट जाएगी। फोर्स हमको नहीं पता कितना है, स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है ये वाला, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो फोर्स कितना आ गया, स्ट्रेस कितना है 4.8 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना दे रखा है 10⁻²⁰ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया फोर्स, तो फोर्स को लिखो यहां पर 4.8 × 10⁻¹⁷ डिवाइड बाय मास, मास कितना है 10 किलोग्राम, आ गया बॉडी ऑफ मास 10 kg, ये रहा मास 10 किलोग्राम गुना रेडियस। अब ये वाला रेडियस इसकी लेंथ है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे मास लगा हुआ है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला जो इसकी लेंथ है, और लेंथ कितनी दे रखी है 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है, अब यहां से इसको एक ऐड और कर देते हैं 7, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है 10⁻⁷, ठीक है, इसको नीचे ले आओ, तो यहां पर 10⁻⁷ से ये 10⁻⁷ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये वाला ना सर नेगेटिव, ये 4.8 × 10⁷ है, ये यहाँ पर 10⁷ है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, तो 10⁷ से 10⁷
माइनस सात खत्म हो जाएगी, ठीक है, और तीन से ये क्या हो जाएगा 16, 16 की 48, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या फिर ओमेगा बराबर 4, ठीक है। तो ये वाला ओमेगा बराबर किसका जाएगा 4 के, तो यहाँ पर जो a बराबर 4 रेडियन पर सेकंड ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर स्पीड हमको निकालनी है तो रेडियन पर सेकंड ही आएगी, और उसने बोला भी है कि जो ओमेगा निकलेगा वो इन रेडियन पर सेकंड निकलना चाहिए, तो हमको तो वैसे ही पता है कि ओमेगा रेडियन पर सेकंड ही होता है, ये 4 रेडियन पर सेकंड ओमेगा हमारे पास निकल कर आ गया। ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड क्यों होता है, वो कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 1 सेकंड, ये वाली चीज होती है। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप जो है रोटेशन मोशन जाके पढ़ लेना, उस आपको समझ में आ जाएगा, या फिर सर्कुलर मोशन पढ़ लेना। हाय दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है, टू स्टील वायर्स हैविंग सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सेलिंग अंडर द सेम लोड। दो वायर हैं, दोनों के दोनों क्या है, स्टील की बनी हुई है, और दोनों पर सेम लोड लगा हुआ है, ठीक है, और वो नीचे की तरफ लटक रही है उसे लोड से, ठीक है। ये वायर है, यहाँ पे लोड है, और दोनों दोनों सेम लेंथ है। डायमीटर दोनों का सेम नहीं है, ठीक है, डायमीटर दोनों का सेम नहीं है, डायमीटर ही हमको जो है निकालना है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज, तो डायमीटर का रेशियो क्या होगा, डायमीटर सेम नहीं है, अगर डायमीटर सेम नहीं है तो स्ट्रेस सेम नहीं होगा, स्ट्रेस फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो देखो, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो कितनी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ वायर इज हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई ऑफ स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आएगी U1 पहली वाले वायर के लिए वो कितना होगा, हाफ स्ट्रेस फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन फर्स्ट में डिवाइड बाय U2, हाफ स्ट्रेस 2 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/4, ये दे रखा है ना, ठीक है। अब देखो आगे, दोनों का मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए सेम रहेगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन होता है ना, तो इससे तो इसको हटा दो सीधा, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाय वाई, तो इसकी जगह लिख देंगे स्ट्रेस डिवाइड बाय वाई, और स्ट्रेस ये हो गया स्ट्रेस 1 डिवाइड बाय वाई, उसी तरह से ये स्ट्रेस 2 डिवाइड बाय वाई। अब ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय स्ट्रेस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 डिवाइड बाय वाई डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय वाई दोनों कैंसिल हो गए। अब आ गया ये भैया 1/4 के बराबर, अब ये दोनों का स्क्वायर है तो इसको यहां पर कर दो 1/2, हमको निकालना है डायमीटर, तो कोई बात नहीं आगे करते हैं। स्ट्रेस 1 क्या है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया 1, दोनों के लिए लोड क्या है सेम है, डिवाइड बाय स्ट्रेस 2, फोर्स डिवाइड बाय एरिया 2 बराबर 1/4, फोर्स से फोर्स हट गया तो हमारे पास आ गया एरिया 2 डिवाइड बाय एरिया 1 बराबर 1/4 के। तो यहां पर सीधा जो है हम पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, यहां पर भी पाई बाय 4 डी 1 का स्क्वायर, तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 हट जाएगा।
तो यहाँ पे लिख देंगे डी टू डिवाइड बाई डी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसको यहाँ से हटा दो, ये आ गया रूट टू। तो डी वन तो बराबर होगा रूट टू के और डी टू बराबर होगा 1 के। तो यू वन डिवाइड बाई यू टू 1/4 के लिए, ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट टू रेशो 1, रूट टू रेशो 1। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तो पहले हमने क्या लिया है, यू वन डिवाइड बाई यू टू, तो डी वन ये और डी टू ये डायमीटर का रेशियो निकालना है। ऐसा मत कर देना कि 1/2 कर दो, किया हुआ भी गलत हो जाए। यू वन ओवर यू टू दे रखा है, ये हमको 1/4 दे रखा है, इसलिए हमको क्या करना है, डी वन ओवर डी टू लेना है, ना कि डी टू ओवर डी वन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है, अ स्टील वायर हैविंग रेडियस 2.0 mm कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग, गिवन दैट जी की वैल्यू दे रखी है ये, व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड इन द वायर। ठीक है, सिग्मा टेंसाइल निकालना है, सीधी सी बात है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होगा, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स कितना दे रखा, सॉरी मास कितना है, 4 गुना जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.1 पाई। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना दे रखा है, एरिया वायर का एरिया निकालना है, सॉरी लाइट में प्रॉब्लम हो गई। तो एरिया, एरिया के लिए पाई बाय 4 तो फिर पाई आर स्क्वायर लगा दो सीधा, पाई और रेडियस, रेडियस क्या रहेगा, 2.0, इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर दो, 2 × 10^-3। ठीक है, पाई से पाई हटा दो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये 2 × 4 हो गया और ये हो गया -3, 4 और 4 से 4 कट गया, 10^-6 हो गई, सिग्मा टेंसाइल आ गया 3.1 × 10^-6 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाला 3.1 × 10^-6, 3.1 × 10^-6 ये वाला, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ब्रास एंड स्टील वायर्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm² आर यूज। तो एक जो वायर है वो ब्रास और स्टील दोनों से मिलकर बनी है, और उसका उसमें ब्रास की लेंथ भी 1 मीटर है और स्टील की भी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया उसका दे रखा है ये 1 mm². द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, एंड वन एंड ऑफ द कंबाइंड वायर इज कनेक्टेड टू अ रिजिड सपोर्ट। इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए स्टील है यहाँ तक, और यहाँ पर ब्रास है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है रिजिड सपोर्ट से, सपोर्ट से, एंड अदर एंड इज सब्जेक्टेड टू इलोंगेशन, और जो दूसरा एंड है उसको हम खींच लेते हैं, मतलब ये बाहर की तरफ जो है डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ को हम इधर से बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं। द स्ट्रेस रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस नेट इलोंगेशन ऑफ 0.2 mm। अब इसमें जो नेट इलोंगेशन होगा वो कितना है, इसको जब हम बाहर की तरफ टेंसाइल फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ, तो इसमें जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, 0.2 mm। ठीक है, और मीटर में करेंगे तो ये द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नेट इलोंगेशन, इस इलोंगेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, या फिर हमको जो है प्रेशर लगना पड़ेगा बाहर की तरफ। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलोंगेशन ऑफ 0.2 mm इज क्या होगा, और हमारे पास जो है वाई की वैल्यू दे रखी है, यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील और
ब्रास के लिए, स्टील के लिए ये, और ब्रास के लिए ये वाली जो है प्रोड्यूस होगी, क्या है, इलोंगेशन। अब ये वाली जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होगी ना, ये इसमें भी प्रोड्यूस होगी और इसमें भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि क्या है, सीरीज में है, कोई बात नहीं, सीरीज में होती है। तो डेल एल है जो, वो बराबर होगा डेल एल स्टील प्लस डेल एल ब्रास। ये क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई ऑन 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, डेल एल क्या है, एफ एल ओवर ए वाई, यही होता है ना इलोंगेशन का फॉर्मूला। या फिर आप सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई लगा देना, और उसमें एप्सिलॉन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वहां से चेंज इन लेंथ निकाल देना, ये आ जाएगा इसके लिए वाई स्टील के लिए, और ये लेंथ भी क्या है, स्टील के लिए, प्लस फोर्स ओवर ए। अब ये फोर्स और एरिया, एरिया दोनों के लिए सेम है, और फोर्स भी जो बाहर की तरफ लग रहा है वो भी दोनों के लिए सेम है, इसलिए एफ ओवर ए और एफ ओवर ए दोनों के लिए सेम है। लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइड बाय में वाई ऑफ ब्रास, जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय 10^3 इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या रह गया दिख रहा है ना, ये ठीक है, लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ ब्रास दोनों की क्या है, बल, डिवाइड बाय वाई ऑफ स्टील, स्टील के लिए क्या है, 120 × 10^9, उसी तरह से 1/60 × 10^9, ठीक है, यहां थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये चीज आप रख देना, एल की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू ये, एल की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू ये, यहां पे रख देना, ठीक है, क्या आएगा देखो, फोर्स ओवर एरिया स्ट्रेस हमको चाहिए निकाल देना है, तो इसको सिग्मा रख दो। अब 10^9 और 10^9 दोनों में कॉमन है, तो 0.2 × 10^-3 × 10^9 यहां पे आ गया इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, ये न्यूटन मीटर में है और ये न्यूटन मीटर में है। इसमें यार मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं अभी, अभी ऑप्शन चलो दोबारा से लिख देता हूँ, क्या क्या दे रखे हैं, सिग्मा और ये 1/120 + 1/60, ठीक है, अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2 और ये 120, अब बेस एक जैसे हो गई, तो 0.2 × 10^-3 और ये क्या हो गया 10^6 इज इक्वल टू सिग्मा 3/120, ये क्या हो गया 3 × 4 = 12, 0.40 को यहां पे ले आओ, × 40 कर दो और यहां से हटा दो इसको, इसको और इसको हटा दो, तो क्या आ गया 8 × 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला है, क्योंकि इसके आंसर जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर में ही दे रखे हैं, तो इसके ऑप्शन जो हमको दे रखे हैं, सॉरी यार मैंने ऑप्शन जो लिखे नहीं पहले, ऑप्शन है दिख रहे हैं ना यहाँ पे, अभी इसको मिटा देता हूँ, 8/10^6 हमारा आंसर आ रहा है। ये है 1.2 × 10^6 पहला वाला ऑप्शन और न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, ध्यान रखिएगा, दूसरा है 0.2 × 10^6, तीसरा है 1.8 × 10^6, और डी है 4.0 × 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनमें से दार कोई नहीं आ रहा है, क्या था 0.2 × 10^-3 = सिग्मा, और यहाँ पर 10^9, 10^6 तो सबके लिए रखी, 1/120 + 1/60
तो यहां पर आया था वो 2 और 1 3 120, 3 जो 12 40 आ रहा है, यहाँ पर 40 आ रहा है ये, तो 0.2 × 10 की पावर 6 × 40 हो गया ये। इससे इसको हटा दो, 4 × 8 आया यार। तो यार इसमें से ना कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं आ रहा हमारा, तो 8 × 10 की पावर 6 आ रहा है ना, और ऑप्शन दे रखे हैं हमको ये, कोई नियरेस्ट में है, कोई नियरेस्ट में भी नहीं है इसके, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, 8 × 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन दे रखे हैं हमको ये, तो इसमें से कोई भी नहीं आ रहा भी। आई नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। अ बॉयज कैटेपल्ट इज मेड ऑफ रबर। ठीक है, जो गुलेल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो बनी हुई है, ठीक है, रबर कोर से, विच इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो रबर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ को लिख देते हैं यहाँ पर, कितनी है, 42 सेंटीमीटर। आपने जगह कमेंट से लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भी मिटा देंगे यहाँ पे, विद 6 mm डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर कितना दे रखा है, 6 mm ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। द बॉय कीप्स अ स्टोन वेइंग 0.02 kg, और मास कितना दे रखा है भैया, 0.02 kg के बराबर उसका जो है मास है। एंड स्ट्रेच द कॉर्ड बाय 20 सेंटीमीटर, और जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। बाय अप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट फोर्स व्हेन रिलीज द स्टोन फ्लाइज ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। नेगलेक्ट द चेंज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉर्ड वाइल स्ट्रेच, जब हम उसको खींचे, ठीक है, तो चेंज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो, वो चेंज होगा वो ना के बराबर होगा ये बोल रहा है, नेगलेक्ट कर देना है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज क्लोजेस्ट टू, तो जो यंग्स मॉडुलस है वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी होगी वो बताएंगे, ये 10 की पावर 8, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और करते हैं। देखो, जब वो गुलेल को खींचेगा, ठीक है, तो खींचने से क्या होगा, उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। खींचने के बाद जैसे ही छोड़ेगा, ठीक है, छोड़ने के बाद जो वो पत्थर है वो एक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की जो है, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आगे की तरफ भागेगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अब ये क्या है, ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास कितना है, 0.02 kg, मल्टीप्लाई में वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 400। अब इससे 2 जीरो को हटा दो, अब यहाँ से 2 × 4 कर दो, तो ये आ गया ये आपका 4 यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रेस के बारे में है कुछ, फोर्स के बारे में भी नहीं है कुछ, स्ट्रेन के बारे में है क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ
डिवाइड बाय जो लेंथ ये है कितना हो गया, चेंज इन लेंथ है 20, ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ है 42 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वाई, ठीक है, तो वाई के लिए देखो सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, ठीक है, तो वाई बराबर किसके हो गया, वाई बराबर हो गया, सॉरी स्ट्रेस बराबर हो गया वाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, तो हाफ को यहीं रहने दो, स्ट्रेस बराबर वाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन वाई आ गया, यही हमको निकालना है, एप्सिलॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, अब स्ट्रेन का स्क्वायर है तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो गया भी आपका, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इससे तो ये लेंथ हट गई यहां से, ठीक है, अब चेंज इन लेंथ का स्क्वायर वो बराबर होगी यहाँ पे चार के, हमको निकालना है वाई, वाई इज इक्वल टू फोर चार मल्टीप्लाई बाय दो मल्टीप्लाई बाय एल, हो गया आठ एल डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल एल का स्क्वायर, आठ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर, तो 42 गुना 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया पाई, और पाई बाय 4 कर दो या फिर पाई आर स्क्वायर कर देना, मर्जी आपके है, पाई बाय 4, और डायमीटर कितना दे रखा है 6 mm, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रूट की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो क्या एरिया और डेल एल का स्क्वायर, डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 गुना 10 की पावर माइनस 2, और ये यहां पर डेल एल का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, 8 गुना 42 गुना 10 की पावर माइनस 2 बटे पाई बाय 4 गुना ये हो गया 36, ठीक है, 6 गुना 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, और ये 10 की पावर माइनस 6, आप ना इसको पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 3 हो जाएगा ना, अगर डायमीटर 6 है तो 3 गुना 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 हट जाएगा, फिर 4 को रहने दो, ज्यादा ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर, और ये 20 20 400 गुना 10 की पावर माइनस 4, और यहां पर ये 3 दिया 9 पाई गुना 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, अब यहां पर देखो 10 की पावर माइनस 2, और यहां पर 10 की पावर माइनस 4, तो यहां पर 10 की पावर माइनस 2 आ गया, अब इससे इसको हटा दो, तो ये आ गया हमारे पास इतना, ठीक है भाई, यहां पर 4, अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कर दो, 42 दूनी 84 हो गया ये 84 डिवाइड बाय 9 पाई, और ये 10 की पावर 6, ठीक है, और ये 9 गुना 3.14 लिख दो, अगर 22 बटे 7 कर दो, 3.14 कर दो इसको, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो क्या आएगा, तो अब चाहो तो 3 3 9
इंडोनेशिया 3 8 24 28 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में 3 पर 3.14। ठीक है, ये जो है ये वाली चीज है जो अप्रोक्स 2.97 के बराबर आएगी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको इसके जो आंसर दे रखे हैं वो 10 की पावर 5 6 ऐसे करके कुछ दे रखे हैं, इसके आंसर दे रखे हैं 10 की पावर 6 4 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3। ठीक है, तो 10 की पावर 6 जो हमारे पास आ रहा है और इसमें जो 10 की पावर 6 आंसर में हमको दे रखा है, ये आंसर ए ही हमको जो है इसका दे रखा है, तो ए वाला आंसर जो है इसका सही होगा। ठीक है, 10 की पावर 6, तो बस दिमाग लगाना है क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी है बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के, हमको निकालना है वाई। ठीक है, वाई निकालने के लिए स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर देना है, एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा और वाई हमको मिल जाएगा, वहां पे वाई अलग रख के और बाकी जो चीजें दे रखी हैं उनकी वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू जो है निकाल देनी है बस। दोस्तों नेक्स्ट देते हैं, और ये वाला प्रश्न आपसे जो है 2019 में जो है पूछा जा चुका है। यंग्स मॉडल ऑफ टू वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। यंग्स मॉडल आपका अगर कि दो वायर एक का मॉडल यंग्स मॉडल एक के लिए और दो के लिए फिर ज्यादा के लिए मॉडल ही बोल देते हैं। ध्यान रखा है 7/4। Wire A is 2 meter long and has radius r. Wire B is 1.5 meter long and has radius 2 mm. If two wires stretch by the same length, दोनों के दोनों की deformation same है, दोनों को same amount में खींचा for a given load, किसी भी given load से, load भी दोनों में एक जैसा है, the value of r is close to, तो जो वैल्यू है आर की, देखो दूसरी वाली का रेडियस रखा है 2 mm। ठीक है, तो पहली वाली का जो रेडियस है वो क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे एमएम में। ठीक है, तो हमको रेडियस बताना है, बता सुना, देखो सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन पहली वाली के लिए डिवाइड बाय सिग्मा 2, ये वाई 1 ये वाई 2 और ये एप्सिलॉन 1 ये एप्सिलॉन 2। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया 1 फोर्स डिवाइड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू वाई 1 और वाई 2 हमको 7/4 पे रखे हैं। अब दोनों में क्या है, स्ट्रेच दोनों में सेम हो रहा है, तो डेल एल ओवर ओरिजिनल लेंथ कितनी है पहले वाले की, वायर ए इज 2 मीटर लॉन्ग दो बटे डेल एल ओवर 1.5 फोर्स इसे फोर्स हटा दो, सो एरिया 2 डिवाइड बाय एरिया 1 डेल एल से डेल एल 7/4 गुना 1.5 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और 2 आ जाएगा नीचे, और 1.5 और 2 क्या है मीटर में है, तो एमएम में कन्वर्ट करोगे गुना 10^3 गुना 10^3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब एरिया 2 क्या है हमारे पास, पाई आर 2 स्क्वायर पाई आर बी स्क्वायर और ये पाई आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3.5 बटे आर, पाई से पाई हटा दो, हमको निकालना है क्या आर। ठीक है, मतलब कि पहली वाली का रेडियस क्या है, सेकंड वाली का तो वायर बी इज 1.5 मीटर लॉन्ग एंड हैज रेडियस 2 mm, तो सीधी सी बात है रेडियस ए का निकालना है, तो इसका हम करते हैं आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है, दो पहली दे रखा है 2 × 4 गुना 8 बटे 1.5 गुना 7, इनको सॉल्व करो
और आर की वैल्यू फिर उसके ऊपर डाल देना 1/2 में, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। इनको कैलकुलेट कर लो, आपके पास जो है आंसर निकल जाएगा। देखो 832 ठीक है, और ये इसको एक जीरो ऊपर लगा दो और ये 15 × 7 तो ये हो गया 320/105 ठीक है। ये हो जाएगा 5 सेकंड, दो इसको 5×6 20, 5×6 20 और ये 5×2 10, 5×1 5 तो 21 63 होता है, तो 3 point something आएगा ये ठीक है। अभी 3 point something आ जाएगा उसके बाद, देखो एक मिनट यार लाइट को सही कर देता हूँ। अब देखो ये √3 आ जाएगा, √3 point something आएगा, मोटा मोटा इसको 3 ही ले लो ठीक है। तो √3 क्या होता है 1.73 ऐसे करके होता है। देखो 1. ये क्या 1.359 और ये 7, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस जो चीज़ें दे रखी हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना है। भाई हमको दे रखे हैं स्ट्रेन, दोनों में सेम खिंचाव, दोनों में क्या है सेम है, मतलब टेंशन नहीं तो डिफॉर्मेशन है, दोनों में सेम है, तो ये इस तरह से जो है निकल कर आ जाएगा।